हर दिन उनका नाम लेता हूँ, मंदिर पे पहुंचा के पहला घंटा उनका ही बजाता हूँ, बागेश्वर धाम की जय हो, सन्यासी बाबा की। मेरी आत्मा बोलती है, ऐसा आभास होता है। हाँ, वो सुबह शाम मोबाइल शुरू कर देते हैं। अच्छा, 24 घंटे इन्हीं को देखते हैं और क्या, हम वैसे फालतू प्रोग्राम देखते नहीं है। मतलब अदालत से भी ज्यादा हनुमान जी का जोर चल रहा है। हनुमान जी का जहाँ चल रहा है महाराज, हमारे दिल में तो हनुमान जी बसे हुए हैं, ईमानदारी बात। मेरी रोंटे हमेशा ऐसे खड़े हो जाते हैं, सब प्रभु की लीला। मेरे बालाजी अच्छा करेंगे और सबके साथ करेंगे, सबके साथ करेंगे। विश्वास है कि भला करेंगे, पूरे विश्व का भला करेंगे बालाजी महाराज। कमलेश कुमार वर्मा मेरा नाम, आपके पास है? हाँ, आगरा के पास फिरोजाबाद। पहली बार आए हैं तो हमने YouTube में देखा था महाराज जी को, तो जो चमत्कार देखे हैं उसी के आधार पे हम आए हैं। अच्छा। हमें महसूस है कि हाँ साहब, पूरा विश्वास है कि काम होगा। अच्छा, YouTube पे आप देख के यहाँ पहली बार? हाँ, पहली बार आए हैं, फिरोजाबाद से आए हैं। हाँ, जो आगरा के पास जो है फिरोजाबाद, पहली बार हम आए हैं, हमें मालूम है कि ये काम होगा जरूर। मतलब आपको पूरी श्रद्धा है? नहीं मिले नहीं तो फिर मिले नहीं, हमने तो रिजर्वेशन पहले करा लिया था। अच्छा। हमें मालूम पड़ी कि लंदन गए हुए हैं, इस वजह से अब हमें रिजर्वेशन था, इसलिए फिर आएंगे, फिर आएंगे हम दोबारा। तो पहले आपके कोई गुरुजी थे? फर्स्ट टाइम नहीं, अभी पहले हमने इन्हीं को माना सब और भी तो गुरु हैं। अब इनका चमत्कार अच्छा है, सबसे बढ़िया। चमत्कार के पीछे? चमत्कार के पीछे नहीं, श्रद्धा के पीछे है। जो मुझे जो अपने आप देखते हैं YouTube में दिखाया जाता है। अच्छा। कि बिना पर्ची के बिना वैसे आप बताए थे कि क्या क्या परेशानी है, क्या क्या बीमारी है, सारा बताए थे सब कुछ। मनोकामना लेके आए? अब मनोकामना तो बहुत है, देखो भगवान सब सुनेगा भाई। लंबी चौड़ी तो लिस्ट नहीं है, लेकिन ये थोड़ी बहुत है। मैं यही जगह से 4 लाख रुपये रुके हुए, तो उसमें 3 लाख रुपये आ गए हैं। जहाँ जहाँ पैसे रुके हुए हैं भगवान की कृपा से सब आ रहे हैं और सब हिसाब किताब बढ़िया बन रहे हैं। हाँ, सब काम हो रहा है। आपकी दिनचर्या क्या रहती है? हमारी ग्लास फैक्ट्री है फिरोजाबाद में। अच्छा। हाँ, चूड़ियों का ज़्यादा बिजनेस? ग्लास का बिजनेस है अपना। तो मतलब आपकी दिनचर्या क्या रहती है? भगवान को आप कैसे याद करते हैं? अरे वो सुबह शाम मोबाइल शुरू कर देते हैं। अच्छा। हाँ, 24 घंटे इन्हीं को देखते हैं और क्या, हम वैसे फालतू प्रोग्राम देखते नहीं है। से भी आपने खुद बताया कि आपने जो है बिना आए हुए। हाँ, बिना हुआ है तो 2-3 जगह से पैसे रुके हुए थे जो दे रहे नहीं थे, लॉकडाउन के पहले से रुके हुए थे पैसे, तो वो अपने आप शुरू कर दिया उन्होंने देना, पैसे देने शुरू करते। तो ये बाबा की हमने केस चालू कर दिया था। अच्छा। जो पंजाब में एक पार्टी थी उस पर केस चालू कर दिया था। हाँ। उसको खुद फोन आया। हाँ। कि भाई केस चालू मत करो आप, जो हमारे वारंट आ जाएंगे। हाँ। इसलिए उन्होंने फिर जो हिसाब किताब बना के 50,000 रुपये करा। रमेश तिवारी नाम है मेरा, मैं ये तीसरी बार आया हूँ। बच्चा मेरा विदेश में है, 3 साल से वो आया नहीं है, बहरीन में। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, उस बच्चे का पहले तो छुट्टी नहीं मिल रही थी, कल फोन आया कि बाबा मैं 1 महीना के लिए छुट्टी पे आ रहा हूँ। गल्फ कंट्रीज में कम मिलती है छुट्टी। हाँ, सोशल ज़्यादा होता है। हाँ, तो ये बाबा की कृपा है साहब। और दूसरी बात, एक जगह 25-30 लाख रुपए रुके हैं हमारे बच्चे के बिजनेस के लिए दिए, धोखा दे करके। नहीं नहीं, इंडिया ही में। तो उसका भी कल फोन आया कि भैया आप टेंशन मत करो, केस को कायम मत करो, पैसे आपके जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। तो मैं तो बाबा के चरणों में हूँ, ये बाबा की कृपा से 85 लाख मिल गया। 6 महीने से तो आप आदमी नवाई नहीं निकाली। हाँ, मतलब अदालत से भी ज़्यादा हनुमान जी का जोर चल रहा है। हनुमान जी का जहाँ चल रहा है महाराज, हमारे दिल में तो हनुमान जी बसे हुए हैं, ईमानदारी बात। आभास होता है अंदर से, मेरी आत्मा बोलती है, ऐसा आभास होता है। हाँ, मेरी रोंगटे हमेशा ऐसे खड़े हो जाते हैं। सब प्रभु की लीला। मेरे बालाजी अच्छा करेंगे और सबके साथ करेंगे, सबके साथ करेंगे। विश्वास है कि भला करेंगे, पूरे विश्व का भला करेंगे बालाजी महाराज। मैम क्या मतलब अभी तक कोई आप पे अच्छा लगता है एक्सपीरियंस? तो अभी मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन मेरा बेटा जो है बड़ा वाला भोपाल में रहता है, तो कभी कभी वो हम लोगों से बात भी नहीं करना चाहता है, लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ के लिए बोलती हूँ, तो वो मेरे से तुरंत फोन में बात करता है। जी, हनुमान जी का नाम लेते ही? हाँ, जी जी जी, इन्हीं को मानते हैं। मैं इन्हीं को मानती हूँ। भैया महाराष्ट्र से आए हैं, पहली बार आए हैं। हम हैं यूपी के रहने वाले, पर हम बचपन से महाराष्ट्र में रहते हैं। नाम क्या है आपका? रानू प्रजापति नाम है हमारा। कैसे पता चला? मैं 1.5 महीना हुआ है, मोबाइल से ऐसे एक जन मेरी माता जी सुन रहे थे, तो वाला वो बागेश्वर राम के भजन सुनते मम्मी, तो एक दिन मैंने भी सुना, एक ही दिन सुना है, तो हमको ऐसा रोज़ रोज़ सुनते सुनते की आदत पड़ गई। हम हनुमान जी के मंदिर रोज़ जाते हैं,
दो मंदिर करते हैं रोज के, और तीसरा शनिवार के दिन शनि मंदिर जाते हैं और गुरुवार के दिन साई बाबा के मंदिर जाते हैं। तो मैं हर दिन उनका नाम लेता हूँ, मंदिर पर पहुँचा के पहला घंटा उनका ही बजाता हूँ, बागेश्वर धाम की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो। तो मेरे को ऐसा मुझे डेढ़ महीना भी हुआ कि मेरे को यहाँ पे वो अपने आप से बुलाया उनने मेरे को। मैं आया था ससुराल, मेरा मन मतलब वहाँ से मैं सोच के आया था कि बागेश्वर धाम जाना, बच्चों के पास नहीं भी गया चलता पर पहले बागेश्वर धाम जाना। तो बच्चों को बोला, बच्चों को लेके आएंगे, औरत को भी लेके आएंगे तो अच्छा लगता है। तो अभी हम सब हमारे बच्चे भी आए दोनों, और हम और मेरी औरत, वो हमारे उनने बहुत अच्छा किया है मेरे लिए। डेढ़ महीने मेरे को इतना फर्क गिर गया कि मुझे मेरे को खाना पीना भी नहीं खपता था, कुछ भी होता था, मुझे टेंशन में रहता था, प्रॉब्लम थी, अच्छा एंजाइटी, हाँ टेंशन की टेंशन से आता था। तो कुछ भी बीमारी नहीं लगी। अभी ऐसा लगता है अभी मैं कितना भी खाना खा लूँ तो अगर किसी ने बोला कि नाश्ता करो डबल से तो नाश्ता भी कर लेता, 10-11 रोटी खाता हूँ मैं एक टाइम में। मेरे को ऐसे पहले मैं 2-3-4 रोटी खाता था बस, उनके भजन पे ही मेरे को इतना विश्वास हो गया है कि मेरे को ये लगता है कि इधर ही आना, उनके भजन सुनते हैं और जो अपना उनका कार्यक्रम चालू रहता है वही सुनते हैं। अभी समझो मैं यहाँ से जा रहा, तो मैंने यही प्रतीक्षा की है कि जब मैं जब भी यूपी को आऊँगा, गांव में आऊँगा, पहले गांव में बाद में जाऊँगा, अगर इधर आऊँगा एक दिन यहाँ का और बाकी दिन गांव के।